सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। जिस तरीके की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए आज एक पत्रकार जो विदेशी पत्रकार थी, जो अखबारों में हमने पढ़ा, उसे भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया। लेकिन वही खबर ये भी मिल रही है कि सरकार ये कह रही है क्योंकि वीजा में कुछ दिक्कतें थी, इसे उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है, अपने घर जाना पड़ रहा है भारत छोड़ करके। तो सच्चाई क्या है? जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। आपके थाने हैं, तहसील है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, जब संस्थाएं दल के लिए काम करने लगे समझ लो लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए शक करना कोई इस सरकार पे हर चीज पे शक हो रहा है। यही तो सवाल है कि आप क्रेडिबिलिटी क्या है। आप सोचिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उस पे आपत्ति पूरे देश के लोगों को है, पूरे देश के लोगों को आपत्ति कि ये भाषा कैसे हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और फिर आप में से बहुत से साथी हैं कि क्या लाभ मिल जाएगा बीजेपी को, कुछ सवाल पूछ लें। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, आपकी नियत में सवाल यह है कि आप बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। जिनकी शादी हो रखी है वो लोग उसके महत्व का महत्व समझते होंगे, और बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें जिससे उनकी भी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने नौकरी कितनी दी, पेपर लीक हो गए आपके और 10 परीक्षाएं लीक हुई, तो उसका जवाब क्या है आपके पास? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे लिए संजीवनी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें मान सम्मान दिलाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमें अधिकार दिलाता है, और उसी अधिकार की वजह से हम और आप खड़े हैं। ये बीजेपी के लोग जनता को गुमराह करके वोट के अधिकार को भी छीनना चाहते हैं। ये भाषण इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर निराशा है, जनता उनके साथ नहीं है। अब निराशा में क्या करें, वो जब वोट मिल नहीं रहा है तो क्या ना करें, मरता क्या ना करता। इसीलिए न विकास पे बोल रहे हैं, न किसान की आय दोगुनी बढ़ जाएगी उस पर बोल रहे हैं, न बिजली सस्ती होगी उस पर बोल रहे हैं, न कोई बड़ी सड़क बनाई उस पर बोल रहे हैं, बस जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको कह दूं, अग्निवीर की तरह इन खाकी वालों की भी नौकरी 3 साल की होने जा रही है।